और अब एक बहुत जरूरी खबर, ये खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना के 1,365 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,746 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 233 नए केस मिले हैं। दिल्ली से महाराष्ट्र तक कोरोना के मामलों में फिर से तेजी से इजाफा होने लगा है, जिससे दोनों जगहों पर सरकार की टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,365 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 5,746 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। 1,472 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 233 नए मामले दर्ज किए गए। 233 नए मामलों में से अकेले मुंबई के 130 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए 26,439 परीक्षण किए गए। अब तक महाराष्ट्र में 8 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में किसी की जान नहीं गई है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। राज्य में 36 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र की तरफ से यहां पर भी 24 घंटे में किसी की जान नहीं गई, जो सुकून देने वाला है। और कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, भारत ने कोरोना से मौत पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों पर नाराजगी जताई है। सरकारी आंकड़े से करीब 10 गुना अधिक है WHO का आंकड़ा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कोरोना से 47 लाख मौत का दावा किया था। सरकार के मुताबिक देश में 5.2 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई, और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोरोना से हुए भारत में मौत के आंकड़ों पर आपत्ति जताई हो। भारत की आपत्तियों के बावजूद WHO ने पुरानी तकनीक और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी कर दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और UP यानी 17 राज्यों के आंकड़े के आधार पर डेटा जारी किया गया है, जिस पर भारत ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल नंबर 1, 17 राज्यों के आधार पर डेटा जारी किया गया तो 17 राज्यों को किस आधार पर चुना गया? हमें लगातार पूछने पर 4 महीने बाद इन राज्यों के नाम बताए गए। सवाल नंबर 2, WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और प्रक्रिया पर सवाल। सवाल नंबर 3, कब तक या किस वक्त तक डेटा WHO ने लिया, जानकारी नहीं दी। सवाल नंबर 4, नवंबर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने WHO को इस संबंध में 10 चिट्ठियां लिखी, पर किसी का WHO ने जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 5, मौत के ये आंकड़े राज्यों की वेबसाइट, अखबारों में RTI के हवाले से छपी खबरें, टेलीफोनिक सर्वे के जरिए लिया गया, ऑफिशियल डेटा हमसे क्यों नहीं? डेटा की आपत्ति को भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखेगा? यही नहीं, भारत को Tier 2 में क्यों रखा गया, जबकि छोटे छोटे देश जहां आंकड़े सम्मिलित करने का सही मैकेनिज्म नहीं, वो Tier 1 में कैसे डाले गए? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।